उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और चुनाव कोई भी हो यूपी की सियासी फिजा में मुद्दों की कमी नहीं रहती, चाहे वो मुद्दे जनता से जुड़े हो या फिर सियासी फायदे पहुंचाने वाले हो। पार्टियां सारी कोशिशें करती हैं जनता से जुड़ने की और इसका सिलसिला शुरू हो चुका है। विपक्ष ने हमले अब तेज कर दिए हैं और कह दिया है कि सरकार को हटाने के लिए जनता तैयार है, तो सरकार में बैठी बीजेपी जवाब देने में पीछे नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष के सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है, हम तो जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे। ...2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, लेकिन इसकी तैयारी पार्टियों ने अभी से शुरू कर दी है। उपचुनाव में ताल ठोक रही पार्टियां एक दूसरे पर हमले तो कर ही रही हैं, साथ ही 2022 में जीत का दम भी भर रही हैं। विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर चौतरफा हमला किया और बीजेपी सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य, कानून, उद्योग, रोजगारी समेत कई मुद्दों का जिक्र किया और सीएम योगी को निशाने पर लिया। सरकार को ये सोचना चाहिए कि पुश्तैनी घर मकानों पे अगर बुलडोजर चलेंगे तो देश में न जाने कितने ऐसे घर हैं जिनके नक्शे पास नहीं हैं। और सरकार अपना भी तो देखे कि अपना नक्शा पास कराया है सरकार ने कि नहीं कराया है। कोई मुझे ये बताए कि मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है कि नहीं है। समाजवादी पार्टी ने तो हमला किया ही, यूपी में जमीन मजबूत करने में जुटी कांग्रेस ने भी योगी सरकार के कामकाज पर सवाल उठा दिए और अखिलेश के आरोपों पर मुहर लगा दी। उत्तर प्रदेश पिछले 30 साल से बेहाल है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, जाति और धर्म के नाम पर सरकारें बनती रहीं, विकास के जो कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की थी उन उद्योग धंधों को एक एक करके बंद किया जाता रहा, जो स्कीमें उत्तर प्रदेश की लॉन्च हुई उनको अपना नाम देकर लोगों ने अपने पीछे सतपाई। हर पार्टी अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है क्योंकि यूपी में उपचुनाव की जंग भी चल रही है। इधर बीजेपी ने अपना प्रचार अभियान तेज कर रखा है। सीएम योगी जहां प्रचार में जुटे हुए हैं तो विपक्ष को हर बात का जवाब दिया और कहा हमने जो कहा वो करके दिखाया। विकास कैसे होता है ये बोलने की आवश्यकता नहीं, ये करके दिखाने की आवश्यकता है। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगण, हमारे पदाधिकारीगण निरंतर इसी कार्य के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं और आज वह स्पष्ट दिखाई देता है। उसके लिए भाइयों बहनों हमें सपा बसपा कांग्रेस के उस संस्थागत भ्रष्टाचार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, जहां पर विकास का मतलब एक परिवार और एक जाति तक सीमित होकर केवल रह जाता था। विधानसभा चुनाव की जंग तो 2022 में होनी है, लेकिन सियासी पार्टियां जानती हैं कि उनकी जमीन अभी से तैयार करनी है। अब चुनौती सबके सामने है, समाजवादी पार्टी को सत्ता में वापसी करनी है तो कांग्रेस को दशकों का सूखा खत्म करना है और योगी सरकार को जनता पर विश्वास बरकरार रखना है। बहरहाल अब देखना तो यही है कि किसके दावे में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।